got some diamonds. वो पीनट चटनी है, ये टमाटर और रेस चालू है। वो आ जा रहे हैं। हाय गाइस, रणवीर है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो यहाँ पर बहुत सारा कैमरा गियर पड़ा हुआ है। यहाँ से निकाला गया है, इस बैग से निकाला गया है, इस बैग से निकाला गया और इस बैग से निकाला गया। ये जो मेरा बैग है ये मैं अपना डेली वेयर है जो कि मैं हमेशा कैरी करता हूँ। ये बैग जब मैं ट्रैवल करना रहता है, कहीं जाना रहता है, एयरपोर्ट पे जाना रहता है, तब मैं कैरी करता हूँ क्योंकि बहुत ही स्टडी है और अच्छा है। सारा जो मेरा कैमरा गया बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है और सेफ रहेगा उसमें। वो क्या डेली वेयर है, मैं कैरी कर सकता हूँ। ये इसमें एक्स्ट्रा सामान रहता है, तो भी ऐसा कुछ सीन है। वेदर है और कोई यहाँ पर क्लीनिंग चल रहा है। इसका कैमरा गियर पूरा पैक कर लेता हूँ, अच्छे से फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या जो हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हो किस बारे में। सो पैक कर लेता हूँ पहले मैं। डायमंड्स मिल गया तुझे? अच्छा, वेरी नाइस, गुड जॉब, कांग्रेचुलेशंस। मम्मी मम्मी का बैग मम्मी रेडी बैग मम्मी इज रेडी टू गो आउट। हाँ दिख रहा है, मैनू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आई कैन सी। वेरी नाइस मम्मी, हम तो खुश हो गए, डायमंड मिले हमें आज। बहुत सोना बैग है, बहुत पूरा परफेक्ट एकदम। मेरा कलर ना मंगनी हो कलर है मेरा, छोटा बड़ा में चाहिए कैसे अच्छा ठीक है। मम्मी ने एकदम परफेक्ट बैग देखते ही तू ना मैं देखता मैं पैकिंग चल रही है जोरों शोरों से। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर क्योंकि घर पे एप्पल नहीं है। एप्पल चाहिए मुझे क्योंकि ये कोको मैंगो को यहाँ 2 दिन तक मैं छोड़ कर जाऊँगा। अरुण है यहाँ पर, मैंने उनको बोला है कि ध्यान रखना प्लीज़। और मैं विंडो खुली छोड़ के आ गया यार, जाली काट के कहीं मैंगो का बच्चा बाहर ना चला जाए। देख रहे हो यहाँ पर बैठ के वो चिल्ला रहा है मैंगो, वो देखो ये इधर बैठा है, यहाँ बैठ के चिल्ला रहा है। वो मोटिवेटेड हो जाएगा जाली को काटना और बाहर आना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इतना सेफ रहना पसंद करता हूँ, आपको अभी बता देता हूँ ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ ठीक है, घर पे हूँ, ये देखो यहाँ पर है। तो इसीलिए ये विंडोज़ को बंद करना ज़रूरी है। थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है बट चलता है। और क्या मैं लाइट वगैरह ज़्यादा स्टार्ट करके चालू करके नहीं रखता हूँ क्योंकि अगर पूरा दिन उजाला रहेगा ना तो ये जागते ही रहेंगे। तो जैसे अंधेरा होता है वैसे ये सोने चले जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं लाइट बंद करके जाता हूँ। पानी खाना सब कुछ दूंगा और अरुण को भी बोला हुआ है मैंने, अरुण ध्यान रखना। तो अरुण को वो काटते नहीं है यूजुअली, कोई दूसरा अगर जाता है ना उस पर टूट पड़ते हैं। घर जाकर उनका एप्पल वगैरह सब काट के दिया और आज रात की मेरी फ्लाइट है। और तो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ ठीक है। थोड़ा सा ये जो सस्पेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है यार, तो मज़ा आता है राइट। कुको मैंगो को मैंने एप्पल काट के दिया और फ्रूट्स दिए थोड़े से और उनका दाना पानी डाला। पानी दो जगह डाला, एक नहाने के लिए एक पीने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ हमारी एकेडमी के काम के लिए। न्यू जर्सी से मैं जा रहा हूँ पेंसिल्वेनिया की तरफ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ 3 घंटे का काम है और फिर वहाँ से घर आऊँगा जो कि 1.5 घंटा है। घर आकर बैग मैंने पैक करके रख दिया है। इतना कंफ्यूज हो रहा था क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। थक हार के मेरे पास जो छोटा बैग नहीं था, अरुण जो मेरा हम लोग जो घर शेयर करते हैं तो अरुण को बोला मैंने, अरुण ने उसका एक बैग दिया मुझे। तो बैग में मैंने कपड़े डाले, उसके बाद सारा इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिया, सारा मैंने कैमरा गियर डाल दिया, ड्रोन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। और अभी जाते हैं काम ख़त्म करते हैं और वापस आते हैं, पैक करते हैं अच्छे से और फिर निकलते हैं। पहुंच गया। हेलो, व्हाट इज दिस? इट्स नथिंग। व्हाट इज हैपनिंग? डोसा की चटनी की तैयारी हो रही है। ओके, सुमा वांट्स टू शो उनका वेजिटेबल का गार्डन है, वो देख लेते हैं। हाँ, ओह क्या शिमला मिर्च है? शिमला मिर्च है, वो शिमला मिर्च है। हाँ, वो हमारी स्मॉल मिर्ची, स्मॉल मिर्ची वाली, काली वाली। हाँ, मतलब वो लाल हरी वाली। हाँ, हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर्स है। ये करेला है, करेला। ये क्या लगाया हुआ है? हाँ, ये नहीं, इसमें बस ये आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट ये हम लोग वेजिटेबल्स किप डालते हैं, दाल में डालते हैं। दाल, दाल, सॉरी, वो क्या है? ओ मिंट, पुदीना है ना? हाँ, मैं बोलूं पुदीना जैसे लग रहा है। वो बहुत बढ़िया है। और इस तरफ क्रीपर्स है, कुकुम्बर है, और ये क्यूकम्बर है। हाँ, ये दिस ऑल दिस आया, कभी आया इधर क्यूकम्बर? लास्ट ईयर आया ना, लास्ट ईयर आया। नाइस। सर लौकी है, ये दोनों लौकी। अच्छा, ये लौकी है। तो काम हो गया। यहाँ पर सब बच्चे खा रहे हैं पास्ता, और यहाँ पर मेरे लिए क्या है? तो खाया जाएगा डोसा और एंजॉय किया जाएगा। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। एक्चुअली ये कौन सा चटनी है? वो पीनट चटनी है। ये टमाटर, ये टमाटर है, टमाटर आई लाइक। इधर ही बैठ जाते हो। ये क्या है? हाँ, ये आप टेस्ट करो। ये मेरी पुदीना प्लांट की चटनी है। अच्छा, मैं इसमें सांभर डालती हूँ। चलेगा? अरे डाल आ नहीं रहा है। हाँ। आप टेस्ट करो, आपको पसंद आया तो। तो भाई यहाँ पर आया हूँ रेशमा जी के घर पे, और उनके पेड़ पौधे जो है उनको जल देना है। देखते हैं क्या हाल है इसके पेड़ पौधों का। क्या बात है, यहाँ तो टमाटर उगा है यार। ओह क्या बात है। मेरा वे प्रोटीन यहाँ भूल गया था, ये चाहिए मेरे को। 4 पूरे बड़े बड़े डोसे खाए वहाँ पर मैंने। 4 पेट भर गया ना। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो पानी 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 ले लो। चलो, पौधों को पानी दे दिया। मेरा प्रोटीन शेक ले लिया, यहाँ पर पड़ा हुआ था। अभी जाते हैं घर की तरफ। और अभी तक मुझे फ़्लाइट के डिटेल्स नहीं मिले हैं, कितने बजे फ़्लाइट है क्या नहीं है। सारा कुछ सामान मैं पैक करके रखा हुआ है मैंने। अभी सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मंडे को मुझे वापस आना है, और आज है फ्राइडे, और जहाँ जा रहा हूँ 6 घंटे दूर है। 6 घंटे की फ़्लाइट है, फ़्लाइट जल्दी मिल नहीं रही, ओवरनाइट फ़्लाइट। तो कल शूट करना है, परसों शूट करना है, और तरसों मंडे को मुझे वापस आना है। और देखते हैं जैसा भी होता है कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक टिकट बुक नहीं है। ओके, और इंडिया से लोग आए हैं, पता है उनकी टिकट। मैं यहाँ से अमेरिका के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी टिकट महंगी है। इंडिया से लोग आए हैं, उनकी टिकट सस्ती मेरे से। जस्ट इमेजिन कर लो कि क्या सिचुएशन है। अभी ना तो गाड़ियों की रेस, क्या है यार। रोड पे गाड़ियां रुकाई दोनों ने, ऐसा सामने, एक इधर और एक इधर, गाड़ियां रुका दी, और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है और रेस चालू है। वो आ जा रहे हैं वो लोग। काश मैं रिकॉर्ड करूं इनको उधर से जाके। अभी रुका दे वापिस से। ओह रेस होने वाली है। ओ व्हाइट वाला निकल गया यार, व्हाइट वाला चला गया, वो बहुत दूर चला गया व्हाइट वाला। रोड रेज हो गया, रोड रेज। तो ये जो ट्रिप थी मेरी, जो शूटिंग की, ये कैंसिल कर दी है। जी मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, शूटिंग कैंसिल नहीं हुई है। बहुत ही एक अजीज़ मेरा दोस्त है, वो कोरियोग्राफ़र है बॉम्बे में, असिस्टेंट है एक बहुत बड़े कोरियोग्राफ़र का, वो मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों को बता दूंगा। तो ऐसा हो गया कि वहाँ जाऊँ, रात भर ट्रैवल करूँ, दिन में वहाँ पहुँचूँ, एक दिन शूट करूँ, दूसरे दिन शूट करूँ और उसी रात को निकलूँ और फिर मंडे को यहाँ पर आऊँ। और फिर अभी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इट इज़ नॉट वर्थ इट ऑल्सो, बहुत महंगा पड़ रहा था सब कुछ। तो फिर मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि इट्स ओके दैट इफ़ यू कैन टेक समबडी फ्रॉम देयर। मैं जा रहा था सिएटल, अगर आप वहाँ से किसी को हायर कर सकते हो, कोई वीडियोग्राफर या एडिटर है, तो फिर आप उनसे काम चला लो। मैं एक काम करता हूँ, नहीं आता हूँ, और बहुत महंगा पड़ रहा था, तो फिर मैं नहीं गया। अभी मैं यहाँ पर भाई के पास आया था मिलने के लिए, ब्लॉग एडिट कर रहा था, मैं बोला कि एंड कर ही देता हूँ, इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी घर पे मैंगो गुरकू परेशान करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ परेशान कर रही हैं। उससे पहले एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क सिटी से एक स्पॉन्सरशिप आई है, तो वहाँ पर जाएंगे, चेकआउट करेंगे। तो व्लॉग को देखते रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले भी आप लोग को बोला है कि ध्यान रखना कि आपने वो नोटिफिकेशन आइकन दबाया है कि नहीं दबाया है। व्लॉग को मैं इधर तक ही रखता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। इधर उधर जिधर भी गया था मैंने व्लॉग किया और आप लोग के सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई लव एंड आई लव टू एंटरटेन एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय बाय। तेरे वास्ते फलक पे मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध। मैंगो डांस, मैंगो डांस।